हाय दोस्तों, आज माँ की तबीयत सही है पहले से। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना माँ आपकी तबीयत? अब हाँ ठीक भूख भूख लग रही है अब? लगी जावे। अच्छा, तो दोस्तों मैंने ये देखा था, मैंने कहीं पे सुना है जैसे आपको अगर कोरोना के लक्षण होते हैं थोड़े बहुत, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत लक्षण हैं तो घर पे ही रहिएगा, और आप खाना पैरासीटामोल ले सकते हैं 3 टाइम, और साथ में अगर आपको खांसी है तो कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लग रही तो एक साइफोन करके कफ सिरप आता है, वो भी ले सकते हैं अगर आपको भूख नहीं लग रही है। सॉरी, कफ सिरप नहीं है, साइफोन का सिरप है, ये लीवर के लिए भूख बढ़ता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको खांसी जुकाम कुछ है, तो जो ये मैं बता रहा हूँ आप ये ले लीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी और भूख भी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिएगा। डरना मत कि हमें खांसी जुकाम हो गया है, जितना खुश रहोगे उतना आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल डर का माहौल बहुत है और ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उल्टे लेट जाओ, उससे भी बहुत फायदा रहता है। बाला का फोन आया था आज। दोस्तों को ये पारुल बना रही है, आलू का पानी बन चुका है, एक्चुअल में बना नहीं रही है। अंजलि पढ़ाई कर रही है अपनी रोज की तरह, देख सकते हैं आप, वही अंकल जी पढ़ा रहे होंगे। और वही हमारी अंजलि पढ़ रही है, बस यही चलता है इनका पूरे दिन, सारा दिन पढ़ती रहती है। जबकि पता है अब कोई पेपर वेपर नहीं होने वाले, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग चुका है सब जगह। और इधर पापा जी रोटी खा रहे हैं, दाल और आलू। और इधर हमारा छोटा भाई काम कर रहा है, इसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसका सबसे अच्छा है। हमें जाना पड़ता ऑफिस पर, ये घर से काम कर सकते हैं। चलो दादी, आज के लिए इतना ही, सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय।